Good morning, students. So we are going to start with the revision part of chapter 4, business services, principles of insurance. Yesterday we had discussed the meaning of insurance as well as functions of insurance. Okay, now we are going to discuss principles of insurance. Jo insurance ka contract hai, it is based on certain principles. All these principles need to be complied with, need to be followed for the contract to become valid. ठीक है, अगर कोई insurance इनमें से implement कोई भी principle इनमें से valid नहीं होता है, follow नहीं होता है, तो contract जो है insurance का उसको invalid माना जा सकता है. So let's see what are the various principles of insurance on which the contract of insurance is based. So बेटे, first is principle of utmost good faith. So this is the basic principle of insurance contract. It simply states that both the parties, insurer as well as insured, must display good faith towards each other, which means they should disclose all the material facts or the relevant facts related to the contract to each other. Okay? For example, the insured must disclose agar usne life insurance karwai hai, insured ne, aur agar usko koi aisa disease hai jisse usko pata hai ki uski life jo hai wo kuch saalon ki reh gayi hai, usko ye material fact, kyunki wo life insurance karwa raha hai और उसको डिजीज है, कोई बीमारी है, और ये उसको डिस्क्लोज करना, ये चीज जो है, दिस इज यू नो क्वाइट मटेरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. ठीक है, सो ही मस्ट डिस्क्लोज दिस फैक्ट टू द इंश्योरर. इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, ही इज डायबिटिक एंड ही हैज नॉट डिस्क्लोज्ड दिस फैक्ट टू द इंश्योरर, देन लेटर ऑन इन केस the event happens, event यहाँ पे क्या है, death, तो death हो जाती है insured की, उसके बाद अगर insurer को पता चलता है कि उसने ये material fact उसको disclose नहीं किया था, उसकी prescription slip से पता चल जाता है कि he was a heart patient और उसको doctor ने surgery recommend की हुई थी और ये fact उसने disclose नहीं किया insurance company को, तो in that case the contract of insurance may become void at the discretion of insurer. Insurer चाहे, यहाँ पे insurer कौन है, insurance company. ठीक है, तो insurer चाहे तो इस contract को void कर सकता है. ठीक है, so secondly the insurer is also under the obligation to disclose the scope of the insurance policy taken by the insured. For example, a person ने insurance करवाई एक इंश्योरेंस एजेंट से और पॉलिसी लेते हुए उसने ये नहीं बताया दिस इज एन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, यानी अगर ए की डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट होगी ओनली देन ही कैन क्लेम जो है डिपेंडेंट ले सकते हैं, अदरवाइज नेचुरल डेथ से इसका कोई क्लेम नहीं मिलेगा. ये फैक्ट उसने डिस्क्लोज नहीं किया. तो अब यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इंश्योरर जो है वो सेफ रहता है. क्यों? क्योंकि वो उसने अगर आपको वर्बली नहीं बताया, उसने जो कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस पॉलिसी है उस पर आपके सिग्नेचर हुए हों, सो इवन इफ ही हैज नॉट डिस्क्लोज लेटर ऑन, आपके डिपेंडेंट्स ये कहते हैं कि भाई ये तो हमें पता ही नहीं था, तो ही विल शो द डॉक्यूमेंट कि हाँ भी इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन हुए हुए हैं, है ना, तो उस केस में ये वैलिड नहीं हो सकता. एवरीथिंग इज डिस्क्लोज इन द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे किसकी बन जाती है, इंश्योर्ड की, to disclose all the material facts related to the contract. Otherwise, the contract of insurance may become voidable at the discretion of insurer. Clear? So let's move on to the. अच्छा, यहाँ पे कुछ examples मैं बता देती हूँ, case study में ये भी आ सकती हैं आपको. Example of facts to be disclosed. So in case of fire insurance. अगर फायर इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, फायर डिटेक्शन, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, ये सब चीजें
बतानी पड़ेंगी कि कौन कौन से उसने फायर इक्विपमेंट्स लगवाए हैं, फायर इंश्योरेंस अगर करवाई है तो फायर एक्सटिंग्विशर्स कहाँ कहाँ लगवाए हैं, कैसे कैसे लगवाए हैं, फायर डिटेक्शन का कोई सिस्टम है या नहीं है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुई हुई है, ऑल दिस, ठीक है। देन मोटर इंश्योरेंस, जब आप अपने व्हीकल की इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें टाइप ऑफ व्हीकल और ड्राइवर डिटेल्स, ये दोनों चीजें बतानी जरूरी होती हैं। देन पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, अगर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवा रहे हो तो एज, वेट, हाइट, ऑक्यूपेशन, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है। कई बार कुछ ऑक्यूपेशन ही ऐसी होती हैं, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स होते हैं, जैसे माइनिंग है, माइनिंग में किसी भी टाइम बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, पर्सन की डेथ हो सकती है, तो एक वर्कर माइनर ने अपनी इंश्योरेंस करवाई है, उसने नहीं बताया कि मैं माइनिंग में हूं, ठीक है, ही शुड डिस्क्लोज दिस फैक्ट, द ऑक्यूपेशन इन विच ही इज एंगेज्ड। देन इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, अगेन एज, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग हैबिट्स एटसेट्रा, ठीक है। तो बेसिकली हम कह तो देते हैं इंश्योर्ड इज अंडर ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज, आजकल का कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले ये सारे फैक्ट्स वेरीफाई किए जाते हैं, इंश्योरर भी पहले आपका मेडिकल चेकअप कराएगा, ठीक है, फिर ही आपको इंश्योरेंस देगा, ठीक है। सो दिस प्रिंसिपल इज केप्ट इन माइंड बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, विच इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द इंश्योर्ड must have insurable interest in the subject matter of the policy. जिस चीज की आप पॉलिसी ले रहे हो उसमें आपका insurable interest होना चाहिए। What do you mean by insurable interest here? That a person should have a pecuniary interest. A pecuniary का मतलब economic interest. आप सिर्फ उसी चीज को insure करवा सकते हो जिस चीज में आपका पिक्यूनियरी इंटरेस्ट है, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यानी जिसके होने से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है और जिसके ना होने से आपको फाइनेंशियल लॉस सफर करना पड़ेगा। गॉट इट? जिसकी प्रेजेंस में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और जिसकी एब्सेंस में आपको फाइनेंशियल लॉस सफर करना पड़ेगा, आप उस चीज की इंश्योरेंस करवा सकते हो, क्योंकि इसका मतलब है आपका उस चीज में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। गॉट इट और नॉट? लाइक हाउ सो एवर यू मे बी अटैच्ड टू से योर स्कूल, अगर आपके स्कूल की बिल्डिंग को कोई नुकसान होता है तो आपको कोई फाइनेंशियल लॉस होगा? आप में से एक कहता है कि मैम मेरे स्कूल से बहुत अटैचमेंट है, या कोई एक स्टूडेंट आके कहता है मैं स्कूल के इसके लिए कुछ करना चाहता हूं तो मैं स्कूल की बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवा देता हूं, कैन ही गेट इंश्योरेंस फॉर हिज स्कूल? क्यों नहीं? क्योंकि उसका स्कूल में इंश्योरेबल इंटरेस्ट, स्कूल के होने से उसको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है और स्कूल के बिल्डिंग को नुकसान होने से उसको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, ठीक है। सो इससे अब ये भी मतलब नहीं लेना है कि आपको उसकी जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी ओनरशिप होनी चाहिए आप में। दैट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट यू शुड बी एन ओनर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। प्रॉपर्टी के ओनर होना इंश्योरेबल इंटरेस्ट के लिए जरूरी नहीं है। अ फादर मे टेक पॉलिसी इन द नेम ऑफ हिज सन। आप में से बहुतों के पेरेंट्स ने बच्चों के नाम की पॉलिसी ली होती है, ठीक है। तो इसी तरह अ लेंडर हैज इंटरेस्ट इन डेटर्स लाइफ। मैंने किसी को 1 करोड़ रुपया लेंड आउट किया हुआ है, अब मेरे को हमेशा स्ट्रेस रहता है कि इसकी डेथ होगी तो मुझे 1 करोड़ रुपया कैसे वापस मिलेगा। तो टू बी श्योर, इसका मतलब मेरा उसकी लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, क्योंकि उसके ना होने से मुझे नुकसान हो जाएगा, होगा ना? ही इज माई डेटर,
तो लेंडर में टेक द पॉलिसी इन द नेम ऑफ इज डेटर, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी का ओनर होना जरूरी नहीं है। एक ट्रस्टी जो कि दूसरों के बिहाफ पे प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, उसका उस प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, वो उसके नाम की इंश्योरेंस ले सकता है, ठीक है। अ ट्रस्टी, ट्रस्टी समझते हो, तो जो दूसरों के बिहाफ पे प्रॉपर्टी लेके बैठा, ट्रस्ट क्रिएट किया हो, उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, बट ही इज ट्रस्टी, ही इज जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉपर्टी, सो ही हैज द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पर्सन हु हैज एडवांस्ड मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ हाउस कैन टेक फायर इंश्योरेंस ऑफ द हाउस इवन दो ही इज नॉट द ओनर बट बिकॉज ही हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट। मैंने अपना घर गिरवी रखा हुआ है, ठीक है, और वो गिरवी रख के, मॉर्टगेज रख के मैंने 20 लाख का लोन लिया हुआ है। अब कल को उस घर को आग लग जाती है, मेरा तो नुकसान होगा ही होगा बिकॉज आई एम दी ओनर, लेकिन जिसने मेरा घर मॉर्टगेज रखा हुआ है उसको भी नुकसान हो जाएगा। तो ही कैन टेक इंश्योरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस, ठीक है, मॉर्टगेज रखा हुआ है जिसके ऊपर, जिसने प्रॉपर्टी को, वो भी ले सकता है इंश्योरेंस, ठीक है। अब ये भी याद रखना, लाइफ इंश्योरेंस के केस में इंश्योर, अब दो टाइम होते हैं, एक वो टाइम होता है जब आप पॉलिसी लेते हो, दूसरा वो टाइम होता है जब लॉस अकर होता है, इवेंट हैपन होता है। इवेंट हैपन होना मतलब नुकसान हो गया। देयर आर टू टाइम्स, वन द टाइम व्हेन वी टेक द पॉलिसी, अनदर इज द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ध्यान से सुनना है, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी देयर एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड हैज टेकन पॉलिसी ऑन द नेम ऑफ हिज वाइफ, हस्बैंड वाइफ के नाम की पॉलिसी ले सकता है, उसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। जैसे कि फादर बेटे की ले सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स की ले सकता है, जिस तरह अपने डिपेंडेंट्स की हम ले सकते हैं, ठीक है, उसी तरह हस्बैंड ने वाइफ के नाम की इंश्योरेंस ले ली, वो उसकी वाइफ है, उसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, ठीक है। अब थोड़े दिनों बाद उनका डाइवोर्स हो गया, ठीक है, लेकिन हस्बैंड कंटिन्यू टू पे प्रीमियम, एक साल बाद उसको प्रीमियम वो पे कर देता था, 10 साल बाद उसकी वाइफ की डेथ हो गई, ठीक है, अब हस्बैंड कंपेंसेशन लेने जाएगा, ही इज द नॉमिनी, ठीक है, क्योंकि जब उसने पॉलिसी कराई थी तब वो उसका हस्बैंड था, तो वही उसका नॉमिनी था, ठीक है, उसने अपना नाम नॉमिनी में लिख, नॉमिनी नॉमिनेट करना पड़ेगा ना आपको पर्सन, लाइफ इंश्योरेंस में पर्सन की तो डेथ हो गई, किसको मिलनी कंपनसेशन, नॉमिनी को, जिसको आपने नॉमिनेट किया हुआ है। तो हस्बैंड वॉज द नॉमिनी, he went and to take his compensation, would he get compensation or the company would say you are no longer his her husband, you do not have insurable interest in his life, nahi milega, milega, kyun, kyunki ye rule hai, theek hai, this is the principle ki insurable, ye law hai, standard rule hai, humne ye fix kiya hua hai ki life insurance ke case mein अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट, अगर नहीं, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ठीक है। तो अगर इवेंट के हैपन होने के टाइम पर उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, इवन देन उसको कंपनसेशन मिलेगी, ठीक है। दूसरा केस है फायर इंश्योरेंस का। तीन तरह की पॉलिसीज हम करते हैं ना, लाइफ, फायर एंड मरीन। फायर इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एज वेल एज एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट।
फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिल्डिंग है ठीक है, ए पर्सन के नाम की बिल्डिंग है, वो उसका ओनर है, उसने उसकी फायर इंश्योरेंस ली हुई है, जनवरी में उसने फायर इंश्योरेंस ली, प्रीमियम पे किया, अप्रैल में उसने वो प्रॉपर्टी बेच दी ठीक है, बी पर्सन को बेच दी, जुलाई में उसमें फायर लग गई। अब ए कहता है कि मैंने प्रीमियम पे किया हुआ है तो इसकी कंपनसेशन, इसका जो नुकसान हुआ है वो मुझे कंपनसेट करो, मुझे कंपनसेशन दो, मिलनी चाहिए उसको, उसको नुकसान हुआ नहीं हुआ, ही इज नो मोर द ओनर, क्या हुआ जी, फायर इंश्योरेंस है ना, यहाँ पे रूल है, इट मस्ट बी प्रेजेंट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एज वेल एज एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट ही इज नो मोर द ओनर, ही डज नॉट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, क्योंकि वो तो बेच चुका है, अब नुकसान उसका नहीं हुआ, ही डिड नॉट सफर एनी फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू हैपनिंग ऑफ जी, हाँ उसके नाम की ट्रांसफर उसने ऑब्वियसली करवाई होगी, अगर करवाई है ठीक है, ट्रांसफर हो गई है तो फिर उसको मिलेगा, ओनर को ही मिलेगा ना, बी को मिलेगा, ए को नहीं मिलेगा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ए की, अब उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहा ही नहीं, बी का तो है जी, क्या बेटे, अगर बी ने, देखो हर एक कोई जरूरी थोड़ा ना अपनी बिल्डिंग की फायर, आपके घर में आपके कितनों के पेरेंट्स जो है उनकी अपनी बिल्डिंग्स हैं, फायर इंश्योरेंस करवाई हुई है, नहीं करवाई, फिर वो नुकसान, अगर आपने इंश्योर ही नहीं करवाया अपने आप को, तो बी ने अपने आप को अगर नहीं करवाया तो बी को इंश्योरेंस थोड़ी ना मिलेगी, उसका नुकसान है, उसने अपनी प्रोटेक्शन ली नहीं, प्रोटेक्शन लोगे तो मिलेगी ना बेटे ठीक है, अम्ब्रेला लेके जाओगे तो ही बारिश नहीं गिरेगी ना, अगर अम्ब्रेला ली नहीं तो बारिश तो पड़ेगी पड़ेगी ठीक है। सो वेयर एज इन द केस ऑफ मरीन इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मे नॉट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी बट इट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ठीक है, ओनली देन यू कैन गेट द कंपनसेशन, क्योंकि मरीन में ओनरशिप चेंज हो जाती है ना कार्गो की, जब आप अपने गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले रहे हो ठीक है, तो जिस टाइम पे आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उस टाइम पे हो सकता है आपका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, गुड्स अभी आपकी ओनरशिप में नहीं आए हैं ठीक है, जैसे आप इंपोर्टर हो, आपके गुड्स इंडिया से चले हैं, आप यूएस में बैठे हुए हो, आपने उन गुड्स को इंश्योर करवा लिया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, बट क्या आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, अभी आप उसके ओनर नहीं बने हो, अभी मेरे गुड्स हैं वो, क्योंकि मैंने अभी शिप पे रखे, जब वो पहुंच जाएंगे आपके पास वो आपके हो गए, उस टाइम पे नुकसान हो गया तो यू विल गेट द कंपनसेशन, हाँ तो डिलीवर नहीं हुए तो वही होता है, मरीन में रिस्क ही ये है कि उसको गुड्स डिलीवर नहीं हुए, बीच में डूब गए, तो जिसने इंश्योरेंस ली हुई है गुड्स वापस मिल गए तो फिर क्या करना है बेटे, आपको पूछ रहे हो कि गुड्स को नुकसान हो गया, क्वेश्चन तो यही है ना, नुकसान हो गया तो कंपनसेशन मिलनी के नहीं, हाँ तो फिर वापस कंपनसेशन वापस दे देते हैं फिर, बिकॉज अनदर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनसेटिंग द लॉस, मेकिंग गुड द लॉस, नॉट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, तो कार घूम गई, कार की इंश्योरेंस क्लेम कर ली, 5 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया है ना, 2 महीने बाद कार भी मिल गई तो 5 लाख भी कमा लो और कार भी रख लो, ऐसा नहीं है ठीक है, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, किसको बताना चले, ऐसा नहीं होता, कंपनी है ऐसे नहीं प्रॉफिट्स में जाती इंश्योरेंस कंपनीज, सो इट्स उस केस में जब आपकी कार घूमती है तो आप FIR साथ में देते हो, तो जब वो मिलती है तो पुलिस सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को बताती है, सो इन अनदर प्रिंसिपल बेटे, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी विच स्टेट्स दैट इंश्योरेंस इज अ
contract of making good the loss, not of making profit. ठीक है, so all the insurance contracts except which insurance are the contracts of indemnity? Life insurance. Why life insurance is not considered as the contract of indemnity? Life cannot be measured in money terms. It cannot be compensated in terms of money. So life को आप पैसे दे के indemnify नहीं कर सकते हो, compensate नहीं कर सकते हो. So life insurance को छोड़ के बाकी जितने भी insurance के contracts हैं, दे उनके ऊपर principle of indemnity applicable होता है. ठीक है, so a person got his factory insured. फायर इंश्योरेंस करवाई फैक्ट्री 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए के हिसाब से आपने अपना प्रीमियम पे करना शुरू कर दिया, तो इन बिटवीन आग लग गई, नुकसान हो गया, नुकसान हुआ 5 लाख रुपए का, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना इंडेमनीफाई करेगी? 5 लाख की 10 लाख? आपने प्रीमियम पे किया 10 लाख तक का, 10 लाख तक का अगर नुकसान होगा तो आपको इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी, और आप प्रीमियम भी 10 लाख के हिसाब से दे रहे हो, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई और नुकसान हुआ 5 लाख का, कितना आपको मिलना चाहिए कंपेंसेशन? 5 लाख? व्हाई नॉट 10 लाख? बिकॉज इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सिंपल रीजन. वन शुड नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट. इसमें से किसी को प्रॉफिट बनाना अलाउड नहीं है. तो आप ये जाके लड़ने लग जाओ भी, मैं तो 10 लाख तक का प्रीमियम दे रहा हूं, मुझे 10 लाख की कंपेंसेशन मिलनी चाहिए. मिलनी चाहिए? नहीं. वो क्या बोलेगा? इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, मेकिंग गुड द लॉस, नॉट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. नो वन इज अलाउड टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. क्लियर? नेक्स्ट बेटे, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन. प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन स्टेट्स दैट वंस द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड फॉर द लॉस, द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली पासेस ऑन टू द इंश्योरर. एक बारी इंश्योरर ने कंपनसेट कर दिया इंश्योर्ड को, द इंश्योरर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ इंश्योर्ड. समझ में आया? टू स्टेप इन टू द शूज समझ में आया कि नहीं? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फैक्ट्री की 10 लाख की आपने इंश्योरेंस करवाई, प्रीमियम पे किया, आग लग गई, ठीक है, 5 लाख तक का नुकसान इंश्योरेंस कंपनी ने देखा कि 5 लाख तक का नुकसान हुआ है. कैसे हुआ है? जो आपका स्टॉक पड़ा था वो जल गया, ठीक है. अब इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कंपनसेट कर दिया, 5 लाख रुपए दे दिए, ठीक है. आप अपनी फैक्ट्री में गए, आपने देखा जहां पे आग लगी हुई थी वहां पे अभी बहुत सारा जंक पड़ा हुआ है, ठीक है. तो आपने क्या सोचा? आपने कहा अच्छा, इसको आपने उसको कबाड़िए को बुला लिया, आपने उसको बोला कि ये ले जा, ये सारा लोहा है, तो वो सारा बेच के आपको 1 लाख रुपए मिल गया, ठीक है. अब आपको 5 लाख कहां से आया? इंश्योरेंस. 1 लाख कबाड़िए से. आपको कितना मिल गया टोटल? नुकसान कितना हुआ था? 5 लाख. यू आर मेकिंग प्रॉफिट. शुड यू बी अलाउड टू मेक प्रॉफिट? बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज एप्लीकेबल. सो कोरोलरी टू दैट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन. बिकॉज इंश्योर्ड शुड नॉट बी अलाउड टू मेक प्रॉफिट, तो इंश्योरर विल स्टेप इन टू द शूज ऑफ इंश्योर्ड. That is, he will now become the owner of the goods which have been destroyed by the fire. जो goods destroy हुए हैं उनकी ownership किसके पास चली जाएगी? Insurer के पास. वो उसको बेचे, जो मर्जी करे, कबाड़ में डाले, ना बेचे, कुछ ना करे, लेकिन वो insured के पास नहीं रहने चाहिए. Another example which is very common, car का accident हुआ, car total loss. रिपेयर के लिए लेके गए, वो कहता है ये नहीं, ठीक नहीं हो सकती, तो टोटल लॉस में चली जाती है वो. मतलब कार की फिर वैल्यूएशन की. एक होता है ना एक्सीडेंट हुआ,
उसको रिपेयर करवाया, जितने पैसे रिपेयर पे लगे इंश्योरेंस कंपनी वो दे देती है। दूसरा केस ये होता है कार रिपेयर नहीं हो सकती, इरिपेयरेबल है, उसको बोल देते हैं टोटल लॉस में चली गई, ठीक है। तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उसकी वैल्यू डलवाती है, क्योंकि कार पुरानी है, डेप्रिशिएट हुई हुई है, उसकी जितनी वैल्यू पड़ी उतनी वो इंश्योरेंस इंश्योर्ड को दे देती है, ठीक है। अब कार उसके पास पड़ी हुई है इंश्योर्ड के पास, तो क्या वो कार बेच दे कबाड़िए को और 1,00,000 रुपया कमा ले, शुड बी अलाउड टू डू दैट? नहीं। तो वो कार किसके पास चली जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी के पास। मैंने इसका आपको बताया भी था, आप जलंधर में बहुत जगह ऐसी है, आप इधर मकसूदा में चले जाओ, वो सारा कबाड़ कारों का पड़ा होता है ना, वो किसने फेंके हुए हैं? इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। वो अब आप बोलो मैम इंश्योर के पास ही रहने दे, ये भी तो कबाड़ पड़ा हुआ है यहाँ पे। नहीं, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सो प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन स्टेट्स दैट वंस ही हैज बीन कंपनसेटेड फॉर द लॉस ही स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ इंश्योर्ड, ही बिकम्स द ओनर ऑफ द डैमेज्ड गुड्स। द नेक्स्ट है बेटे प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रोक्सिमा, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रोक्सिमा, या प्रॉक्सिमेट लॉस या नियरेस्ट कॉज। सो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड ओनली फॉर दैट लॉस व्हिच इज कॉज्ड बाय द रीजंस मेंशन्ड इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपने फायर इंश्योरेंस करवाई है, आपकी बिल्डिंग अर्थक्वेक के कारण खराब हो गई, तो आप कंपनसेशन नहीं मांग सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि यू विल गेट कंपनसेशन ओनली फॉर द लॉस विच हैज अकर्ड ड्यू टू द रीजन स्टेटेड इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तब आती है जब आपका नुकसान एक से ज्यादा कारण से होता है। एक ऐसा नुकसान है, कारण है विच हैज बीन स्टेटेड इन द पॉलिसी, अनदर विच हैज नॉट बीन स्टेटेड इन द पॉलिसी, देन यू शुड फाइंड आउट द नियरेस्ट कॉज, विच इज द मोस्ट नियरेस्ट कॉज फॉर ड्यू टू विच द लॉस हैज अकर्ड। नुकसान किस कारण से हुआ है, सबसे नियरेस्ट कॉज ढूंढो। अगर वो नियरेस्ट कॉज पॉलिसी में मैंशनड है तो कंपनसेशन मिलेगी, अगर नहीं मेंशन है तो कंपनसेशन नहीं मिली, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस ली, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के अगर डेथ एक्सीडेंट से होगी तो ही कंपनसेशन मिलेगी। रोड क्रॉस कर रहे हो, आगे से ट्रक आ गया, हार्ट अटैक आया, ट्रक हिट किया, एकदम गिर गए, ट्रक हिट करके चला गया, डेथ हो गई। अब यहां पे दो कारण है, हार्ट अटैक या एक्सीडेंट। सो जो लगेगा प्रॉक्सिमेट कॉज है, इंश्योरेंस कंपनी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, अगर वो कहेगी कि हार्ट अटैक के करके हुआ है, फिर कंपनसेशन नहीं मिलेगा। नेचुरल डेथ का ही तो होता है, क्यों नहीं होता बेटे? हम सब जो लाइफ का इंश्योरेंस है ना, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस, मतलब मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराई है, ठीक है, वो 2035 में मैच्योर होनी है। अगर 2035 तक मेरी डेथ नहीं होती तो मुझे 2035 में अश्योर्ड मनी मिल जाएगी, अगर उससे पहले मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे नॉमिनीज को मिल जाएगी वो, लेकिन अश्योर्ड है मिलनी, क्योंकि डेथ तो इनेविटेबल है, डेथ तो होनी होनी है। सो विच एवर इज अर्लियर, डेथ पहले हो जाती है तो फैमिली मेंबर्स को पहले मिल जाएगी, अगर डेथ नहीं होती है तो मैच्योरिटी पे आपको, क्योंकि ये बेसिकली एक लाइफ इंश्योरेंस जो है ना, ये एक सेफ्टी का इंस्ट्रूमेंट तो है ही है, रिस्क को अवॉइड करने का, कि कोई डिपेंडेंट, आप एक अर्निंग मेंबर है उसकी डेथ हो जाएगी तो डिपेंडेंट्स क्या करेंगे। सो रिस्क को तो इंश्योर्ड करता ही है, उसके अलावा लोग इसको करवाते हैं अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए, कि कल को जब ओल्ड एज हो जाएगी, ठीक है, वो कमा नहीं पाएंगे, तो अगर वो सर्वाइव करते हैं
तो उनकी लाइफ इंश्योरेंस की एक टाइम पीरियड होता है, अगर डेथ नहीं होती है, मैच्योरिटी पे मिल जाता है, तो उसके ऊपर वो अपना सर्वाइवल रख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ये प्रिंसिपल क्लियर है। नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। क्या है ये प्रिंसिपल? This principle states that in the event of mishappening, it's the duty of the insured that he must take all the reasonable steps to minimize the loss. अगर इंश्योरेंस करवा ली, इसका मतलब ये नहीं है हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, आपको सारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।